हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में शेडो फाइट 3 किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको शेडो फाइट 3 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपका वेब ब्राउज़र ऑन कर लेना है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यूसी ब्राउज़र का, तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। और उसके बाद में आपको जाना है गूगल पे और वहाँ पर लिखना है play.mode.org। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख के रखा है, और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है पहले लिंक पे। और यहाँ पे जो आपको ऊपर सर्च बार दिख रहा है उधर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम लिख देना है। तो मैं आप लोगों को लिख के फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है शेडो फाइट 3, और जो आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीन शॉट्स वगैरह जो दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे जाना है नीचे डाउनलोड के बटन पे। आप लोगों को यहाँ पे एक ग्रीन डाउनलोड बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद में जो है सबसे पहले आपको जो APK फाइल दिख रही होगी उसे डाउनलोड करने के बाद में आपको 160 MB की ZIP फाइल दिख रही होगी, तो आपको इन दोनों को ही जो है डाउनलोड कर लेना है। पहले आपको APK फाइल को जो इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में आपको ZIP फाइल को एक्सट्रैक्ट करने देना है। OBB फाइल में आप लोग जानते हैं। तो अगर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि आप जो है शेडो फाइट 3 अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ऑफिशियली लॉन्च होने के पहले किस तरीके से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता दीजिए, तो मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। और मुझे लगता है कि आप सभी को जो है फाइल एक्सट्रैक्ट करने आती होगी ZIP फाइल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप लोगों को इसी तरीके की गेमिंग या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ।